नमस्कार दोस्तों, नव मंत्र उपाय यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ सम्मोहन व्याकर्षण वशीकरण उपाय, जिसे कि आप किसी को भी संबोधित कर सकते हैं। खास करके मैं आज का जो प्रयोग लेकर आया हूँ वह स्त्रियों के लिए लेकर आया हूँ, बहनों के लिए। अगर यदि वह अपने पति को वश में करना चाहते हैं या अपनी कोई लड़की अपने प्रेमी को वश में करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को करकर आसानी से उनको अपने वश में कर सकते हैं। वह आपके इच्छा अनुसार आप उनसे कार्य करवा सकते हैं। मित्रों, जहां तक मैंने देखा है कि कई स्त्रियां होती हैं, उनकी शादी होने के बाद उनको पता चलता है कि उनके पति किसी और स्त्री के संबंध में है, वे उन पे ध्यान नहीं देते, और शादी के बाद भी जो प्यार उनको जिस प्यार की जरूरत होती है वो प्यार उन्हें मिल नहीं पाता और हमेशा घर में झगड़ा रहता है। और यदि कोई लड़की है, उसका प्रेमी उसको छोड़कर चला गया है, किसी अन्य लड़की के पीछे चला गया है और आपके ऊपर अब ध्यान भी नहीं देता, आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, आपके प्यार को, आपके सभी लम्हों को वो भूल चुका है, तो मित्रों आज के इस प्रयोग से करने के बाद अब अपने प्रेमी को ऐसा सम्मोहित कर लेंगे कि वह आपको छोड़कर जीवन भर के लिए कभी भी कहीं नहीं जाएगा। उपाय बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी स्त्रियां इस काम को करें तो वह इस बात का खास ख्याल रखें कि उनको मानसिक धर्म न हो और वह शराब मांस आदि का अगर सेवन करते हैं तो न करें। आपको लगभग 11 दिन तक खुद को ब्रह्मचर्य का एक हिसाब का आपको पालन करना है और खुद को एकदम स्वच्छ में नहा धोकर हमेशा स्वच्छ रहना है और अच्छे वस्त्र ढालने, बिना धोए हुए कपड़े कभी ना पहने। 11 दिन तक आपको स्वच्छ रहना है और हमेशा तैयार होकर अच्छे से बन के रहना है। स्त्रियों के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ। यदि आप अपने पति को वश में करना चाहते हैं तब भी आपको ये कार्य आप कर सकते हैं। इससे पहले प्रयोग बताने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके हुए मंत्र बता पाए। जहां तक मित्रों मैं आपको एक बात कह दूं, यह जो मंत्र उपाय मैं आपको लाइव करके इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको आसानी से मंत्र उपाय विधि आसानी से समझ में आ जाए, ताकि आप आराम से इस प्रयोग को कर लो। और जहां तक मैं एक बात बता देता हूं, इस प्रयोग को किसी भी आयु की स्त्री कर सकती है, किसी भी जाति धर्म के लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी जाति धर्म अलग है, आप कोई भी जाति धर्म का लेडीज इसे स्त्री आसानी से कर सकती है। वह अपने प्रेमी अपने पति को अपने वशीभूत करता चाह सकती है, या वह कोई अन्य पुरुष को लाइक करती है, प्यार करती है, उसे अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो वह आसानी से इस प्रयोग को करके उसे सम्मोहित कर सकते हैं, जीवन भर के लिए आप अपना बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सफेद आसन लगाना है और इस कार्य को आपको गुरुवार के दिन करना है, जो बृहस्पतिवार होता है उस दिन आप इस कार्य को करना है, शुरू करना है। आप इस कार्य को लगातार 5 दिन तक आप इस प्रयोग को करें, किसी एकांत कमरे में जहां कोई भी आता जाता ना हो, आपके अलावा 5 दिन उस कमरे में कोई भी ना हो, एकांत में, चाहे अन्य जगह है तो आप वहां कर सकते हैं। एक स्वास्तिक का चावल आप पहले सफेद आसन लगाकर स्वास्तिक का निशान जैसे मैंने बना रखा है, ये चावल के दानों से बनाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से एक स्वास्तिक श्री गणेश इसे बना ले। स्वास्तिक बनाने के बाद चावलों से बनाना है, उसके बीच जो केसर चंदन होता है, केसर चंदन का जिसका तिलक किया जाता है, पूजा में काम में लिया जाता है, आसानी से आपको पूजा पाठ वाली दुकान से मिल जाएगा, तो केसर चंदन को आपको बीच में इस तरीके से रखना है। और एक आपको मिट्टी का दीपक चाहिए, तेल का दीपक, तो मिट्टी का ही दीपक लेना है, स्टील या किसी अन्य का नहीं लेना, मिट्टी का दीपक ले, उसमें तेल डाल ले और उसके बाद आपको क्या करना है, इस दीपक को इसके अंदर रख देना है। और जिस किसी को भी आप अपने वश में करना चाहते हैं, वशीभूत करना चाहते हैं, अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, अपने प्रेमी प्रेमिका को जिसको भी आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, उसको मन ही मन याद करते रहे, उसकी एक तस्वीर बना ले और उसके प्रेम के बारे में, अपने अच्छे लम्हों के बारे में सोचे, अच्छे फ्यूचर के लिए सोचे, जो आप उनसे चाहते हैं, जिस चीज की आप उनसे उम्मीद रखते हैं उसके बारे में सोचते हुए आपको 5 दिन इस कार्य को करना है और 5 दिन तक इस दीपक को बुझने नहीं देना है। मित्रों इस बात का खास ख्याल रखें, जैसे जैसे ये 5 दिन दीपक जलता रहेगा, जिसे प्रेमी है पति है वह आपकी ओर अट्रैक्टेड होता रहेगा और आपसे इतना उसे सम्मोहन हो जाएगा, प्यार हो जाएगा कि वह जिंदगी भर के लिए आपका अपना होकर रह जाएगा। जी हाँ, फिर आपको एक मंत्र का 121 बार लगातार 5 दिन जाप करना है
सुबह के समय आप इस कार्य को करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ओम नमो नारायण सर्वे वश्य कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र में एक बार फिर से बोल देता हूं, ओम नमो नारायण सर्वे वश्य कुरु कुरु स्वाहा। आपको गुरुवार से लेकर 5 दिन तक कार्य करना है, आपको गुरुवार से शुरू कर दें आप, और इसी तरीके से इस दीपक को आपको बुझने नहीं देना है। लगातार 5 दिन आप इस कार्य को करें, मंत्र का 121 बार जाप करें। ताउम्र के लिए है, वह जो पुरुष है आपका होकर रह जाएगा, जो आपका प्रेमी है। मित्रों, अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं तो आप यह कार्य हमारे द्वारा भी कॉल करके करवा सकते हैं। इस मंत्र व विधि से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जब यह आपकी विधि 5 दिन के बाद पूरी हो जाए तो उसके बाद इन चावल दीपक को आप जल प्रवाह कर दें, बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें, इसे प्रवाह कर दें। विद इस आसन के, जो आसन आप लगाओगे उस आसन के समेत आप इसे जल प्रवाह कर दें और आपका काम बन जाएगा। और इस विधि के बारे में, इस कार्य के बारे में आप किसी को भी नहीं बताओगे, 5 दिन तक आप अपने तक ही रखोगे इस बातों को। और इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ मित्रों, धन्यवाद।